Assalamu alaikum everyone. Today we are going to study about De Morgan's law. So हमारा जो टॉपिक है वो है De Morgan's law, ठीक, जो कि हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टॉपिक है, बहुत जरूरी टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है. पहले ही अगर हम बात करेंगे De Morgan की, firstly we will talk about De Morgan. De Morgan कौन था? तो जो De Morgan था ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था. इन्होंने बहुत सारी इक्वेशंस या बहुत सारी ये हमें एक्सप्रेशंस दी फॉर्मुलेट करके, जिसमें हमारी सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास आती है यही De Morgan's law. इन्होंने हमें De Morgan law को फॉर्मुलेट करके दिया. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने वेरियस इक्वेशंस या फॉर्मूलाज, हम कह सकते हैं फॉर्मूलाज को फॉर्मुलेट करके हमें दिया, ठीक. तो उसके बाद बात आती है कि De Morgan's law हम यूज क्यों करते हैं. सबसे पहली बात, यहां पे हम De Morgan's law यूज करने वाले हैं बोलियन अलजबरा में, ठीक. बोलियन अलजबरा जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा टॉपिक है, यहाँ पे De Morgan's law ये यूज होता है बोलियन अलजबरा में. तो हम बात करेंगे पहले कि De Morgan's law हम बोलियन अलजबरा में यूज क्यों करते हैं. तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे, व्हाई वी यूज De Morgan's law, हम किस लिए यूज करते हैं. जैसे कि आपको पता है कि बोलियन अलजबरा में हमारे पास डिफरेंट, मतलब बहुत सारे किस्म की हमारे पास इक्वेशंस आएगी या फॉर्मूलाज आएगी. हम सिंपली कहेंगे जो कि जो De Morgan's law है ये हमें उन इक्वेशंस को, जो हमारी इक्वेशंस या फॉर्मूलाज हमारी बनती है बोलियन अलजबरा में, ये उनको सिंप्लीफाई करने के काम आता है. सिंपली सिंप्लीफिकेशन ऑफ दीज इक्वेशंस या फॉर्मूलाज, ठीक. हम कहेंगे जो De Morgan's law है ये हमें इस्तेमाल होता है, जो हमारी इक्वेशंस या फॉर्मूलाज होती है बोलियन अलजबरा में ये उनको सिंप्लीफाई करने के काम आता है. तो इसमें हमारे पास टू डिफरेंट थ्योरम्स आती है. सबसे पहली बात, अगर हम दो वेरिएबल्स, हम यहाँ पे पहले दो वेरिएबल्स की बात करेंगे, दो वेरिएबल्स लेंगे ए और बी, ठीक. जो हमारी पहली थ्योरम बनती है De Morgan's law में वो ये है कि अगर हम ये दो वेरिएबल्स लेंगे, ठीक, ए और बी, मैंने ए और बी यहां पे लिया, अब हम इनके बीच में एडिशन परफॉर्म करेंगे, जो यहां पे मैंने नोट डाउन किया प्लस साइन से, ए और बी का हमने एडिशन किया. फिर अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, लेकिन दोनों का जो हमने एडिशन परफॉर्म किया, जो हमें वहां से रिजल्ट मिलेगा उसको हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, वो हमें बराबर आता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक. ए और बी हमने दो वेरिएबल्स लिए, उनके बीच में हमने एडिशन परफॉर्म किया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, तो वो बराबर आता है हमारे ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग से. फिर उन दोनों को जो प्लस वाली साइन है ये चेंज हो जाती है डॉट वाली, यानी मल्टीप्लीकेशन. उन दो के बीच में हमें ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और उन्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक. तो ये हमारी पहली थ्योरम है. दूसरी थ्योरम हमारी कुछ इस तरह से बनती है, वो है ए और बी का हमें डॉट करना है, उसका होल कॉम्प्लीमेंट, वो हमें बराबर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट. ये हमारी सेकंड थ्योरम बनती है, ठीक. उसके बाद हम इन, पहले हम थ्योरम फर्स्ट को प्रूव करने की कोशिश करेंगे. पहले हम इसका इसको प्रूव करेंगे थ्रू ट्रुथ टेबल, इसको भी और इसको भी ट्रुथ टेबल, ठीक. और दूसरी हम इसको करेंगे, इसकी सर्किट डायग्राम देखेंगे, सर्किट डायग्राम, और फिर थ्रू सर्किट डायग्राम भी इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक. अब हम पहली इक्वेशन को देखते हैं. जो हमारी पहली इक्वेशन है वो है ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, वो हमें बराबर आता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक. अब हम पहले इसको प्रूव करेंगे, प्रूफ थ्रू ट्रुथ टेबल. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज यहां पे जरूरत पड़ती है. तो
तो सबसे पहले हमें ए और बी जरूरत पड़ता है, तो यहां पे हम सिंपली लिखेंगे ए, यहां पे लिखेंगे बी। उसके बाद हमें जरूरत क्या पड़ता है, जो हमारे LHS RHS में, सॉरी RHS में हमें जरूरत पड़ता है ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, ए और बी का परफॉर्म करना है हमें एडिशन, उसके बाद ए और बी का, ए प्लस बी का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, और साथ ही में लेना है हमें ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो हम इनको पहले, पहला इनपुट प्रोवाइड करेंगे, तो दोनों को पहले हम ए को जीरो देंगे, बी को भी जीरो, दूसरा जो इनपुट प्रोवाइड करेंगे इसको जीरो और इसको वन, तीसरा हम देंगे इसको वन और इसको जीरो, एंड जो फोर्थ एंड लास्ट वाला है वो हम इसको भी देंगे वन और इसको भी देंगे वन। अब हम देखेंगे ए कंप्लीमेंट क्या आएगा, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं ए का वैल्यू पहले यहाँ पे जीरो है, जो जीरो का कंप्लीमेंट है, यानी कि ए कन्वर्ट जीरो किस में कन्वर्ट होगा, जीरो कन्वर्ट होगा वन में, वही जाके वन इसका कंप्लीमेंट आएगा, तो ए यहाँ पे जीरो है, ए कंप्लीमेंट यहाँ पे आएगा वन। इसी तरह यहाँ पे बी जीरो है और बी का कंप्लीमेंट भी यहाँ पे आएगा वन। इसी तरह हम इन सब का कॉम्प्लीमेंट देखिएगा, जीरो का आएगा वन, वन का आएगा जीरो, वन का आएगा जीरो, जीरो का आएगा वन, वन का आएगा जीरो और वन का आएगा यहाँ पे भी जीरो। अब हम देखेंगे ए और बी, उनके बीच में हमें एडिशन परफॉर्म करना है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, अब हमें इनके बीच में एडिशन परफॉर्म करना है। पहले इनपुट पे पहले है जीरो, ए में बी में भी जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो वो आएगा हमें यहाँ पे जीरो, जीरो प्लस वन जो कि यहाँ पे दूसरा वाला इनपुट है, जीरो प्लस वन वो आएगा वन, वन प्लस जीरो वो आएगा वन, वन प्लस वन जो हाई आएगा वो आएगा वन, ठीक। अब हमें ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट देखना है, ए प्लस बी हमें यहाँ मिला, अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट देखना है, यहाँ पे जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट आएगा वन, वन का आएगा जीरो, वन का आएगा जीरो, वन का आएगा जीरो, ठीक। ये मिला हमें क्या, ये है हमारा LHS, LHS, ठीक, और ये है हमारा RHS। RHS में हमें क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट जो हमने यहाँ पे निकाला है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो हमने यहाँ निकाला है, ठीक। अब हमें उनके बीच में क्या परफॉर्म करना है, मल्टीप्लीकेशन डॉट, इसके और इसके बीच में हमें डॉट परफॉर्म करना है, यानी मल्टीप्लीकेशन। तो वन मल्टीप्लाइड बाय वन वो आएगा वन, वन मल्टीप्लाइड बाय जीरो वो आएगा जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय वन वो आएगा जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो वो आएगा जीरो। अब हमें देखना है जो हमारा LHS है, जो ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट है, उसमें हमें वैल्यूज क्या मिले, ये पहले वन, उसके बाद जीरो, उसके बाद फिर जीरो, उसके बाद फिर जीरो, ठीक। ये हमारा LHS है। अब हमारा RHS है, RHS में हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट, उसमें हमें क्या वैल्यूज मिले, ये वन, जीरो, जीरो और जीरो। अब हम इनको रिलेट करेंगे LHS और RHS को, LHS और RHS, क्योंकि हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ए इसका वैल्यू वन है, इसका वैल्यू वन है, इसका जीरो है, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, तो हम कहेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। तो LHS में हमारे पास क्या है, LHS में हमारे पास है ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, RHS में है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। सो ये जो पहली थ्योरम है ये प्रूव हो गई थ्रू ट्रूथ टेबल। अब हम इसकी सर्किट डायग्राम देखेंगे पहले। सर्किट डायग्राम देखिए, तो उसके लिए हमें क्या पहले जरूरत है, ए एंड बी जो हमने पहले इनपुट लिए थे, तो यहां से मैं लूंगा ए और यहां से मैं लूंगा बी, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एडिशन परफॉर्म करना है, और जो एडिशन परफॉर्म करने में हमारी मदद करता है वो हमारा OR गेट है, ठीक। तो हमें यहाँ पे एक OR गेट की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम इस तरह बनाएंगे OR गेट, तो यहाँ पे आएगा A प्लस बी। लेकिन हमें खाली A प्लस बी की जरूरत नहीं है, हमें A प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट जरूरत है, और जो हमें कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है वो हमारा है NOT गेट, जिसके आगे कुछ इस तरह है उसकी ये सिंबल, नॉट गेट हमें प्रोवाइड करता है कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसके आगे एक नॉट गेट लगाएंगे, नॉट गेट जो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, वो बराबर है, ये हमारा LHS है। और अब हम इसे RHS में, RHS में हमें क्या जरूरत है, पहले इसी तरह ए और बी हमारे दो इनपुट्स है, ठीक। हमें पहले क्या जरूरत है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम नॉट गेट यूज करेंगे, नॉट गेट, तो ये आएगा ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहाँ पे भी हम नॉट गेट यूज करेंगे, ये आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, इसके बाद,
इसके बाद ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का हमें डॉट करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई हमें करता है वो है हमारा एंड गेट। ठीक, तो हम इन दोनों को अब ज्वाइन करेंगे थ्रू एंड गेट। एंड गेट लगाइए तो यहां पे हमारा आएगा ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट, ये है हमारा आर एच एस। अब हम इसको थोड़ा ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जो हमने पहले इनपुट्स दिए थे अब हम उसी में से पिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसका जीरो लिया, इसका जीरो लिया। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, जीरो ए प्लस ए और बी का हमें एडिशन करना है, तो जीरो यहाँ जीरो, तो जीरो प्लस जीरो वो आएगा इधर जीरो, तो ए प्लस बी का होल कंप्लीट जीरो का बन जाएगा वन, तो हमारा एल एच एस आया वन। ठीक, एल एच एस इक्वल्स टू वन। अब हम आर एच एस, जीरो हमने लिया ए का यहाँ, बी का भी हमने यहाँ लिया जीरो, तो जीरो जीरो दोनों का, तो ये जीरो यहाँ पे वन बन जाएगा, ये भी यहाँ पे वन बन जाएगा। अब हमें इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट। ए कंप्लीमेंट क्या है, वन मल्टीप्लाई बी कंप्लीमेंट क्या है, वन, वन मल्टीप्लाई वन वो आएगा वन ही, सो हमारा आर एच एस जो आया वन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो एल एच एस है वो किसके बराबर है, एल एच एस इक्वल्स टू वन, एंड आर एच एस, आर एच एस यहाँ पे, एल एच एस यहाँ पे, आर एच एस भी किसके बराबर है वन, सो हम सिंपली यहाँ पे कहेंगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। तो ये यहां से भी हमने थ्रू सर्किट डायग्राम भी इसको अब हमने इसको प्रूव किया। उसके बाद हमने पहले थ्योरम फर्स्ट को देखा, उसको हमने पहले प्रूव किया थ्रू टेबल, उसके बाद हमने थ्रू सर्किट डायग्राम उसको प्रूव किया और उसको वहां पे देखा। अब हम हमारे पास है थ्योरम नंबर सेकंड, तो इसको भी हम उसी तरह से थोड़ा जल्दी जल्दी प्रूव करने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे, थ्रू ट्रुथ टेबल। ठीक, उसके लिए हमें उसी तरह जरूरत पड़ेगी, पहले ए की, उसके बाद बी की, फिर ए कंप्लीमेंट, उसके बाद बी कंप्लीमेंट, फिर ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, और ए डॉट बी, और ए डॉट बी का होल कंप्लीमेंट। ठीक, उसी तरह हम यहाँ से जीरो लेंगे, यहाँ से जीरो लेंगे। ठीक, जीरो वन, वन जीरो, और वन और वन। ठीक, अब ए कंप्लीमेंट जीरो है तो यहाँ आएगा वन, यहाँ भी आएगा वन, यहाँ वन, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ जीरो, और यहाँ जीरो। ठीक, अब हम देखेंगे ए कंप्लीमेंट जो यहाँ है और बी कंप्लीमेंट, उनका एडिशन करना है, इन दोनों के बीच हमें क्या करना है एडिशन। वन प्लस वन ये आएगा वन, यह आएगा वन, यह आएगा वन, यह आएगा जीरो। ए डॉट बी, ए और बी के बीच में हमें डॉट मल्टीप्लाई करना है, जीरो डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो डॉट वन इज इक्वल टू जीरो, जीरो और वन। ठीक, अब हमें इसका कंप्लीमेंट लेना है, ये आएगा वन, ये आएगा वन, ये भी आएगा वन, और ये आएगा जीरो। तो हमें पहले आर एच एस, आर एच एस में हमें क्या है, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, तो ये हमारा आर एच एस है, और एल एच एस में ए डॉट बी का होल कंप्लीमेंट, ये है हमारा एल एच एस। और जो हमें एल एच एस में वैल्यूज मिले वन 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 जीरो जो यहाँ पे है, और वो सिमिलर है किसमें, आर एच एस के, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे वन, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे जीरो। तो हम कहेंगे आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस, तो ये थ्रू टू टेबल प्रूव हो गया। अब हम इसी का देखेंगे थ्रू सर्किट, सर्किट डायग्राम इसकी देखेंगे, फिर उसको उधर से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सर्किट डायग्राम के लिए हमें उसी तरह पहले ए और बी दो इनपुट्स की जरूरत है, उसके बाद ए डॉट बी करना है हमें पहले, जो मैंने पहले ही बोला ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो थ्रू एंड गेट होगा। ठीक, तो हम पहले एंड गेट लगाएंगे इधर से, तो ये आएगा ए डॉट बी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें कंप्लीमेंट लेना है इसका, कंप्लीमेंट हमारे हमारा जो नॉट गेट हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ, तो हम यहाँ पे एक नॉट गेट लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा ए डॉट बी का होल कंप्लीमेंट, ये है हमारा एल एच एस। ठीक, और आर एच एस में हमें क्या जरूरत है पहले, उसी तरह ए और बी की। ठीक, ये हमारे दो बेसिक इनपुट्स है, उसके बाद ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट के लिए हम नॉट गेट लगाएंगे तो आएगा ए कंप्लीमेंट, यहाँ पे हम नॉट गेट लगाएंगे आएगा बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट आया हमारा, बी कंप्लीमेंट आया हमारा, उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें एडिशन करना है, प्लस वाली ऑपरेशन, तो वो हमारा और गेट करता है, तो हम इसको करेंगे इसके साथ एड, इसका अब लगाएंगे हम यहाँ पे और गेट, तो ये आएगा ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, तो ये हमारा आर एच एस आएगा।
अब हम इसको भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे, हम लेंगे वैल्यूज ए का जीरो और बी का जीरो, ठीक, ए डॉट बी ये आएगा यहाँ से जीरो और यहाँ पे आएगा वन, एल एच एस इक्वल्स टू वन, ठीक, आर एच एस यहाँ से जीरो यहाँ से जीरो, ये बन जाएगा वन, ये बन जाएगा वन, ठीक, ए कम्प्लीमेंट प्लस ए कम ये आएगा इधर वन, तो आर एच एस में भी हमारा क्या है वैल्यू वन, तो हम यहाँ पे भी कहेंगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस जो कि बराबर है वन। सो हमने इन दोनों को थ्योरम थ्योरम फर्स्ट एंड सेकंड को हमने प्रूव किया, हमने प्रूव थ्रू टेबल ट्रूथ टेबल एंड सर्किट सर्किट डायग्राम्स, ठीक, इन दोनों को हमने प्रूव पहले किया, हमने थ्योरम ए ली, ये हमारी दूसरी है, थ्योरम वाली फर्स्ट, थ्योरम वाली सेकंड ली हमने, फिर हमने उसका ट्रूथ टेबल देखा, उसके इनपुट्स देखे जो हमें वहां पे जरूरत इक्वेशंस थी, हमने वो उनको वैल्यूज देके उनको ये सॉल्व किया, तो हमें वहां से पहले ट्रूथ टेबल के थ्रू इनको सॉल्व किया, फिर सर्किट डायग्राम देखी इनकी, वहां से इनको सॉल्व किया। अब हम इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी सेकंड वाली थ्योरम है, ये ए डॉट बी और कम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट, इसमें मैंने कितने वेरिएबल्स यूज किए हैं, हियर वी हैव यूज्ड ओनली टू वेरिएबल्स, ठीक, दैट इज ए एंड बी, ए एंड बी जो यहाँ ए यहाँ बी है, सिमिलरली हमारे आर एच एस में भी है ए और बी, लेकिन हम इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड अप टू एन वेरिएबल्स, ठीक, तो फॉर एग्जांपल अगर हम अब थ्री वेरिएबल्स लेंगे, सपोज ए बी सी, या फोर वेरिएबल्स लेंगे ए बी सी और डी, तो उसकी इन फोर वेरिएबल्स की जो इक्वेशन बनेगी फर्स्ट वाली वो कुछ इस तरह बनेगी, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका होल कंप्लीमेंट, वो आएगा बराबर ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट डॉट सी कंप्लीमेंट डॉट डी कंप्लीमेंट, और इसी तरह सेकंड वाली आएगी ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी का होल कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट प्लस डी कंप्लीमेंट, इसी तरह हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू एन, इसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू एन, और इसका भी जो ट्रुथ टेबल आएगा वो हमें इस तरह इसी तरह लेना है, पहले ए बी और सी लेना है, फिर हमें लेना है ए डॉट बी डॉट सी, फिर इसका ए डॉट बी डॉट सी का कम्प्लीमेंट, ठीक, तो वो आएगा, फिर हमें वहां पे ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी जो हमने पहले ट्रुथ टेबल में देखा, जो हमें वहां पे जरूरत पड़ेगी हमें उसी तरह लेना है, और हम इसका ट्रुथ टेबल देख सकते हैं, फिर उसको थ्रू ट्रुथ टेबल इसको हम प्रूव कर सकते हैं, फिर उसी तरह हम गेट्स का इस्तेमाल करके थ्रू सर्किट डायग्राम, इसकी सर्किट डायग्राम पहले देखेंगे, फिर उसको थ्रू सर्किट डायग्राम के थ्रू भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा डी मॉर्गन लॉ, थैंक यू।